हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्नेक्स, यानी कि सांपों के बारे में कुछ रोचक और अमेजिंग बातें जो शायद ही आपको पता होंगी। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए, सांपों की बात से पहले मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ हमारी बॉडी के बारे में, यानी कि हमारे शरीर के बारे में। आपको पता नहीं होगा कि हमारा बॉडी है, जो हमारी बॉडी है वो भी याददाश्त बनाती है। कैसे? जब आपने कई बार महसूस किया होगा कि दिन के समय में या आप कई बार बाथरूम या फिर अपने बेडरूम की तरफ जाते हैं तो आपका हाथ अपने आप स्विच बोर्ड की तरफ चला जाता है, ना चाहते हुए भी आपका हाथ जो है वो बोर्ड की तरफ चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी ने याददाश्त बनाई हुई होती है कि जब भी कमरे में एंटर करना है उस बटन को दबाना है, तो ऐसा इसके हमारे साथ होता है। तो चलिए, नेक्स्ट जानकारी जो है वो है सांप के बारे में। तो सबसे पहली जो जानकारी सांपों के बारे में हुई है कि सांप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, यानी कि ना ही वो अपनी पलकें झपका सकते हैं क्योंकि उनकी पलकें होती ही नहीं है और वो अपनी खुली आंखों से ही सोते हैं। हाँ जी, क्या आपको पता है कि सांप का जहर दो प्रकार का होता है? एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि ऐसा जहर जो सीधे नर्व्स की तरह होके जाके हमारे दिमाग के ऊपर असर करता है, और दूसरा होता है होमोटॉक्सिक। ये जो जहर होता है ये बेसिकली हमारे ब्लड में घुल जाता है और क्लोटिंग का ये कारण बनता है जी, इससे खून हमारा जम जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला सांप ब्लैक माम्बा होता है? यह लगभग एक घंटे में 16 से 17 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वर्तमान में सांप की लगभग 3000 प्रजातियां धरती के ऊपर हैं, जिनमें से तकरीबन 750 के आसपास जहरीली हैं। हाँ जी, क्या आपको पता है कि सांप का जो सर होता है वो कटने के बाद भी जिंदा होता है? जी हाँ, सांप का सर लगभग एक घंटे के बाद तक कटने के जिंदा रह सकता है, यानी कि वो एक्टिव होता है। यदि आप उसको छूने की कोशिश करेंगे तो वो आपको काट भी सकता है जी। बूम स्लैंग एक ऐसी प्रजाति है सांप की जिसके काटने से आपकी बॉडी के हर छेद से खून निकलना शुरू हो जाता है जी। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत सांप कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को ग्रेटर दुनिया का सबसे खूबसूरत सांप कहा जाता है। जी हाँ, आपको पता होगा कि सांप भोजन को चबा नहीं सकते, वो निगल जाते हैं, जिससे उनके पेट में जो मौजूदा एसिड होता है वो उनके भोजन को गलाना शुरू करता है। ये प्रोसेस जो होती है वो बहुत लंबी होती है, इसलिए जब वो कुछ खाते हैं तो वो कई दिनों तक भूखे रह सकते हैं, क्योंकि जो उनके पेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद जो खाना है उसे पचने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं। ब्लैक माम्बा एक लौता ऐसा सांप है जिसके काटने पर जो मृत्यु दर है, यानी कि रेट ऑफ डेथ है, वो 95% से भी ज़्यादा है। जी हाँ, यानी कि ब्लैक माम्बा ने अगर आपको काट दिया तो आपका राम नाम सत्य है। क्या आपको पता है कि किंग कोबरा के पास जो जहर की मात्रा है वो 500 ml से भी अधिक होती है? अगर वो हाथी को भी काट ले तो उसकी भी मौत आसानी से हो जाती है। आपको नहीं पता होगा कि सांपों की सभी प्रजातियां अंडे नहीं देती, कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो सीधे बच्चों को जन्म देती है। जी हाँ, यदि आपकी किस्मत खराब हो और आपके पीछे सांप पड़ जाए तो भैया सीधे मत भागिएगा, क्योंकि सांप आपको बहुत ही जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि आपसे तो उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो होता ऐसा है कि जब आप उसके सामने भागते हैं तो कोशिश करिए कि आप टेढ़ा मेढ़ा भागें ताकि वो आपको जल्दी से ना पकड़ पाए। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका में सांप नहीं पाए जाते? जी हाँ, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे जो भारी और बड़ा सांप था वो टिटियाना भाव था, जिसकी लंबाई करीबन 42 फीट और वजन करीब 1135 किलो था। हाँ जी, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा स्नेक बारबाडोस थ्रेड स्नेक होता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है? यह दुनिया का सबसे छोटा सांप होता है। तो ये थी कुछ रोचक और अमेजिंग बातें सांपों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए सलाम, राम राम, टाटा।